नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर। हम हैं खजुराहो में। खजुराहो की कला यदि कभी आप आएंगे तो देखते ही बनती है। आपने पूरे विश्व में देखा होगा कि जो हमारी सनातन धर्म की मंदिर बनाए जाते हैं तो उनका मुंह हमेशा पूरब दिशा में रखा जाता है। सूर्योदय के साथ ही उनका जो है पूजा अर्चना शुरू होती है, सूर्योदय से पहले, फिर सूर्य उगते हैं। लेकिन हम जिस मंदिर में खड़े हैं, ये मंदिर चतुर्भुज मंदिर है। इस मंदिर को यदि देखें तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ ये मंदिर है। फिनिशिंग इसकी देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हजारों साल पुराना यह मंदिर अपने आप में विचित्र इसलिए है कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी विशेषताएँ इतनी शानदार हैं कि इसके बारे में जान करके आप कहेंगे कि पहले के लोग जो होते थे कितने समृद्ध विचारधारा के होते थे। यह मंदिर पश्चिम दिशा में, इसका जो द्वार बना हुआ है ये पश्चिम दिशा में है। और इसे जब आप आएंगे तो इसके बारे में आप जानेंगे कि जब सूर्य अस्त होते हैं, भगवान सूर्य जब भी अस्त होते हैं तो इनके चरण को छू करके तब अस्त। ये जो मूर्ति है ये चतुर्भुज मूर्ति है। इसमें जो ऊपर है भगवान शंकर खुद विराजमान है, उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि जटाओं में गंगा, और चार भुजाएं भगवान विष्णु का प्रतीक। कमर से नीचे कृष्ण भगवान का एक पैर है जिसमें भगवान ने कड़ा पहन रखा है, और नीचे माता राधिका जिनके पैर में पायल है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि देखिए, बनाने वाले लोग हजारों साल पहले कितनी सोच उनकी समृद्ध रही होगी कि सूर्य आज के समय में भी जब अस्त होते हैं सूर्य देवता तो इनके चरणों को नमन करके ही अस्त होते हैं। ये जो बनावट आप देख रहे हैं, जब पश्चिम दिशा में सूर्य जाते हैं तो उनकी शाम की जो किरण है जब इन पे पड़ना शुरू करती है तो पहले ऊपर, फिर चेहरे पे, फिर सीने पे, और इसे ऐसे पड़ते पड़ते चरण को स्पर्श करके सूर्य देव अस्त होते हैं। पूरे विश्व में अपने आप में एक अलौकिक अद्भुत ये मंदिर है। आप सनातन धर्म के हैं तो सनातन को यदि जानते होंगे तो आप पूरे विश्व में जब घूमेंगे तो पाएंगे कि पश्चिम में हम मूर्ति मंदिरों का जो गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, जो हम पश्चिम दिशा में नहीं रखते, पूर्व दिशा में रखते हैं। लेकिन पश्चिम दिशा में इसका, इस मंदिर का गेट होने का मुख्य वजह यह है कि भगवान सूर्य इन तीन साक्षात देवता जो त्रिदेव यहाँ बसे हुए हैं, भगवान शंकर, कृष्ण भगवान और विष्णु जी साक्षात बसे हुए हैं। जब वो अस्त होते हैं, जब वो घर को जाते हैं, जब वो विराम मांगने जाते हैं तो इनको नमन करते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तब सूर्य अस्त होते हैं। चाहे वो साल का कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, साल के 365 दिन सूर्य बिना इनके चरणों को छुए अस्त नहीं होते। ऐसा है समृद्ध हमारा सनातन, ऐसा समृद्ध है हमारा धर्म। बोलिए हर हर महादेव।